पलट गई। ओहो पलट गई, बस पलट गई। अब बचाओ उनको यार, पकड़ लो उसे। भाई को डर भी लग रहा है। रास्ते में डाउन मत चले यार, बस काफी है, इतना काफी है। नमस्कार, पहला प्रणाम नगरियो, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज बहुत जोर से बारिश हो रही है, सुबह से नहीं बल्कि रात के 12 बजे से बारिश हो रही है। और अभी मैं बाइक में आया, छाता लेके पूरा भीग चुका हूँ अभी अच्छे से। सुनने मारे कि सारी रोडें ब्लॉक हो रही हैं, पार्कोट वाले भी और ऊपर ये वाले भी, मोहन वाले भी। वेट करते करते मैं पेट्रोल पंप के नीचे आ गया हूँ। यहाँ पे पूरा शेल्टर है, बारिश में भीग नहीं रहा हूँ अभी। गंदगी पूरी सूख रही है, ना क्या बराबर है। सो जो मेन नुकसान हुआ है वो ये है, ये देख लो पूरा पानी। हाँ अरे रोड तो पूरी गायब हो गई सच में यार, खतरनाक नाला था कल। ये रोड ब्लॉक हो गई है, खुल्डुंग वाली रोड है यहाँ, इस रोड का टाइम जाते हैं। देख रहे ऊपर से नीचे कैसे दिख रहा है, एक ही और का पूरा। तो हम अभी रुके हैं क्यारी पे, यहाँ से बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी दिख रही है सामने, ITC का वेलकम, ITC ब्रांड वालों का है ये रिजॉर्ट। तो यहाँ पे नीरज जॉब भी करता है, शायद इसी के क्वार्टर में रुका भी होगा नीरज। ब्यूटीफुल लोकेशन है, ब्यूटीफुल सा रिजॉर्ट, बहुत प्यारा लग रहा है। इसमें गाड़ी नहीं जा पाएगी, इसलिए आज हम जा रहे हैं पैदल। आ जाएंगे दोबारा। चलो चलो, क्या नजारा लग रहा नीचे का, देख रहे हो, देखो जितना यहाँ खूबसूरत लग रहा है उतना आगे खतरनाक हो रखा है। आगे टूट रखी है रोड, ये हाल है रोड का, कितनी बुरी स्थिति में है, बुरी। यहाँ से आए हैं पत्थर बह के नीचे को मलबा, अरे रोड पूरी ये हो गई है, यहाँ तो पूरी खोपड़ी हो रही है नीचे को भाई। ये सब मलबा हटेगा तब निकलेगी गाड़ी। काली गंगा को कालो पानी, खेलो खेलो सर के ऊपर इसकी और क्या बहुत है, तो वो सब निकल आता ऊपर का पानी आया नीचे को मार दे। तो दोपहर का टाइम हो चुका है और थोड़ा मौसम खुल चुका है अभी, जितना सुबह बंद हो रखा था। आई होप रोड खुल चुकी हो अभी तक। नमस्कार जी, बढ़िया। हाँ जी, वीडियो बना रहे हैं आपके हम, बोलोगे तो जाएगा। पकौड़े सुबह रोड फंस गया है ना, वहाँ पे 2 घंटा। हाँ सुनो, अभी ग्रैंड पार्टी, कितनी प्लेट बननी है, अच्छा अभी निकल ही रही है। तो आज सुबह फंस गए थे हम लोग, और उसके बाद 2 घंटे वेट करा हमने, और उसके बाद 2 किलोमीटर पैदल चले, उसके बाद एक गाड़ी मिली नहीं और अलग किराए देके गए उसको हम। अभी वापसी में हम लोग पहुँचे हैं जमीरा पे, यहाँ के पकौड़ी खा रहे हैं, एक हफ्ते से लगातार पकौड़ी खाए जा रहे हैं यहाँ पे, और कोई हिसाब नहीं पकौड़ी खाने का। फिर से बारिश स्टार्ट हो चुकी है अभी।
मटीम माछिले फटक मारी बलुवा मटीम तुम बिना निश्वासी गम मेरी सुखर तुम्हारी वहां रखी हुई है बात देखिए किसमें से खा लो ये लो थैंक यू भैया थैंक यू धन्यवाद निकल पाएगी निकल जाएगी यार उसे फोर्स कम है ना पानी का वो देखो तुम सुनने में आ गई धनगड़ी आ गई हम लोग रुक गए यहाँ पे एक बार आगे देख के आते हैं कितनी आ रही है फिर ज़्यादा नहीं है वैसे अरे आ रही है क्या कितनी आ रही है आओ देख के आते हैं अब बरसात में ऐसा रोज़ का ही हुआ कभी कोई नदी आ रही है कभी कोई नाला आ रखा है चले पापा इस रूट से आते थे तो पापा घर नहीं पहुँचते हमें टेंशन रहती थी कि अभी तक घर नहीं आ रहा धनगड़ी आई होगी पक्का यह है धनगड़ी के हाल ये पुल भी सालों से बन रहा है ऐसे कैसी पड़ा है कब से मशीनों में जंग लग गए भाई मुश्किल है निकालना उसे ना कुल्लर भी जाएगा टायर तो आएगा इसमें जल्दी पानी तो है यार फोर्स है पानी में एक्चुअली जैसे भी रुकी ना वहाँ पे सोच के लोगों को थोड़ी जल्दी बाजी होती निकालने की पर थोड़ा रिस्की यहाँ से निकालना अभी तो जूते भीगने का बहुत ज़्यादा डर है तो मेरे पास चप्पल भी पड़ी हुई चप्पल पहनने जा रहा हूँ मैं तो यहाँ से भी और जैसे भी आ रही है ये थोड़ा आधे रास्ते तक जाएगी और रास्ता पता जाएगी कि रास्ता कितना ठीक ठाक हो रहा है जाने लायक हो रहा है नहीं हो रहा है भाई भी डर गया पलट गया वो अब जाएगी अब तो चले जाएगी भाई इसको बढ़ा दो तुम्हें बुला रहे हो ये तो ले जाएगा यार भाई को देख बीच में भाई बीच में खड़ा है निकल गया अब घर निकल जाएगा वहाँ घर निकल जाएगा वहाँ से देख रहा भाई सब कितनी अच्छी खासी भीड़ हो गई है ये मेन हाईवे है वैसे और यहाँ के ये हाल है ये हमारे रावत जी हैं पता है खाली प्लेन हो रहा है पानी आ रहा है खाली अच्छा डर के आगे जीते भाई को डर भी लग रहा है बस काफी है इतना काफी है भाई फेमस हो गए ब्लॉग बन रहा है ब्लॉग सार बस पे डालो ऐसी अब निकल जाएगी बस यार बस पत्थर नहीं है उसमें कह रहे हो अरे उसमें भी बैठ जाता कोई बैठा कार डालो भाई बसें आ रही वहां से बस निकलवा दो ना पहले आगे ऐसे लेके आ रहे हैं लोग बाइक तो फाइनली बस आ चुकी है यहाँ पे बस क्रॉस करेगी उसके बाद हम लोग भी क्रॉस करेंगे कुछ देर में जैसा कि दिख रहा है पानी ज़्यादा नहीं है बट फोर्स है पानी का तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे जब पानी फोर्स बढ़ता है और थोड़ा भी अगर ड्राइवर डिसबैलेंस हो जाए या उसका जजमेंट गलत निकल जाए तो गाड़ी नीचे आएगी सीधे तो ऋषभ की मम्मी इस बस में बैठी हैं दीदी के साथ सबके फोन निकले हुए हैं पलट गई बस पलट गई अब बचाओ उनको यार
अरे यार पलट गई हो। अरे आप पलट गई हो, पलट गई पूरी। अरे यार जबरदस्ती कर रहे हैं ना, निकाल रहे हैं गाड़ियों को। घबरा गए उसमें। चलो आओ भैया। देखते हैं यार लोग निकालने के लिए, हम तो खुद रह जाएंगे वहाँ पर। गाड़ी चलो, गाड़ी आ गई है, किसी को हुआ कुछ नहीं है, दिक्कत चलो ये सही है। अरे भाव नहीं है ना, वो टायर सही के नीचे उसका डाल दिया उसने, नीचे को डाल दिया उसने। बस बस बढ़ती थोड़ी है, वो टायर पूरा मुड़ा उसका, टायर देखो ना, टायर पूरा मुड़ लगा उसका। जजमेंट नहीं हो पाया ना सही, मेन जजमेंट का कहला भाई गाड़ी में। राव जी कहाँ गए? अरे तारा दर की बढ़ गई यार, नहीं हेल्प के लोग आए रखे वहाँ पे, निकल गए लोग, निकल गए, निकाल ही रहे हैं वो लोग हैं वहाँ पे। नींद लगी होगी, छोटी लगी होगी, हल्के हल्के से गिरी है ना, झटके से होती तब दिक्कत होती। वो अच्छा है कि यहाँ पे जेसीबी खड़ी थी। सवारियाँ सारी सवारियाँ हैं। पानी इतना है लेकिन घुटने तक आ रहा भाई के। लोग निकल गए ना, तो सामान निकालने खाली है वो लोग सारे निकाल दिए भाई। टाइम की दिक्कत नहीं है, टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वो थोड़ा सा जजमेंट गलत हो गया, पानी ज़्यादा थोड़ी उसमें, पानी बढ़ने लग गया, फिर से निकलना है, जो जो करना है जल्दी। देखो अब ये क्या कर रहे हैं, कोई रह गया क्या उसमें? किसी का हाथ ना दब जाए उसमें शीशे में, जो गाड़ी यूँ पड़ी ना, इसलिए हाथ ना दब जाए वहीं में और नीचे भर गया। कोई दबा नहीं है, सब तो आ ही गए हैं, वो देख लेते हैं पहले। 6:30 हो चुका है, अभी जो पानी थोड़ा कम है तो अभी सोचे के निकाल लेते हैं हम लोग, वहीं एडजस्टमेंट की बात है, फिर से वहीं बोलूँगा। थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है क्योंकि निकलने वाले हैं हम लोग। अच्छा खासा गाड़ी में बैठ गए थे, पुलिस वाले ने उतार दिया। पुलिस वाले ने कहा पहले सामने वाली गाड़ी को आने दो, उसके बाद निकालना। अभी पुलिस वाले थोड़े व्यवस्था से निकाल लें गाड़ियाँ, क्योंकि सामने भी जाम लगा होगा, हमें दिख नहीं रहा था यहाँ से, बट उस बैंड के पीछे होगा वो जाम। यहाँ इतनी देर से खड़े हैं, 2-2.5 घंटे हो गया, पूरा रामनगर दिख गए यहाँ पे। काली गंगा को कालो पानी
फाइनली निकल रहे हैं हम लोग। अब पानी बहुत ही कम हो गया, अब तो पता भी चल रहा है, वैसे लग रहा नाली नाली जैसी लग रही है। पानी साथ ही हो गया पूरा यार। बस ये है सामने, ये भाई है तो ये पोस्ट ऑफिस वाले बगल में ही है, साथ साथ लिया उन्हें हैं भाई। हेलो फोर्स है पानी का यार, पानी का फोर्स तो है, पानी कम है बट फोर्स तो है इसका। ये बस निकल गई गाड़ी, चल चल चल। माचिले फटक मारी बलुवा माटी। जय हो। तो यहाँ पे पहले मजार हुआ करती थी, अभी रिसेंटली तोड़ दी गई है मजार भी, पूरा प्लेन कर दिया यहाँ पे। सो टाइम हो चुका है 7:30 और घर पहुँच चुका हूँ मैं, टाइम में घर पहुँच चुका हूँ एक्चुअली, घर ही एक ही बात है। तो सीधे निकल रहा हूँ घर को और मैं कर रहा हूँ किसी का वेट, अभी वो आएंगे, उनको हेलमेट देना है, उसके बाद निकलूँगा सीधे घर को। फाइनली मैं घर पहुँच चुका हूँ और इधर उतनी बारिश नहीं थी जितनी पहाड़ों में थी। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज का ब्लॉग। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और किसी को चोट नहीं लगी ज़्यादा तो सब सेफ है, तो चिंता मत कीजिएगा आप। बट जब भी कभी पहाड़ों में आएँ या फिर नदी नाले क्रॉस करें तो आराम से सावधानी से करें। तो ठीक है, आपसे मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखें अपने घर वाले का, बाय बाय।